वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या? पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने क्या पढ़ा था? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बस हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर एक्शन मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास कंजर्व रहता है या नहीं रहता, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आप हमने पढ़ा था एल इज इक्वल टू आर पी, और ये केस में किसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ? ओनली फॉर सर्कल। अगर बॉडी मेरे पास क्या कर रही है, कोई सर्कल में मूव कर रही है। एल इज इक्वल टू आर पी मीन के आर और पी के दरमियान जो एंगल था 90 था, सिंपल एल इज इक्वल टू आर पी आ गया। अच्छा, अगर मेरे पास मोमेंटम में चेंज आता है, लीनियर मोमेंटम, कॉज इन चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक हो गया, कॉज इन चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल कॉज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, विल कॉज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हमारे पास क्या होता है? जब लीनियर मोमेंटम चेंज होता है तो हमारे पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर डेल पी, इस वजह से हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करूँ, इनको टाइम पे डिवाइड कर दूँ बोथ साइड, तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो किस चीज के बराबर आ रहा है? आर डेल पी बाई डेल टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किस चीज के बराबर था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये हमारे पास बराबर होता है फोर्स के। किस चीज के बराबर होता है? फोर्स के। तो हमारे पास जो डेल एल बाई डेल टी आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? वो हमारे पास आर एफ के बराबर आ रहा है, और आर इंटू एफ हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है टॉर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस चीज के बराबर आ रहा है? टॉर्क के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किस चीज के बराबर आ रहा है? आर टॉर्क के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? हमारे पास बराबर होता है फोर्स के। तो अगर कोई बॉडी ने कंजर्व होना है इन लीनियर मोशन, तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगनी चाहिए। मीन के एक्सटर्नल जो ये फोर्स है, इसको क्या होना चाहिए? इसको जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। इसी तरह अगर हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही है, तो उस पे एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होना चाहिए, मीन टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये क्या होगा? कंजर्व होगा। स्टूडेंट, जब टॉर्क जीरो होगा तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मीन एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पे कोई अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मीन डेल एल बाई डेल टी विच इज इक्वल टू जीरो, तो डेल एल भी हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मीन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। मीन एल इनिशियल माइनस एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। मीन के जो इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्शन एंड द मोमेंटम बिफोर द एक्शन मीन फाइनल मोमेंटम, ये हमारे पास दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो इसकी एग्जाम्पल है कि जो हमारे पास ये जिमनेस्ट होते हैं या जो हमारे पास डाइवर हैं, ये देखें, ये स्काईबोर्ड है, इस पर ये जंप करेगा। शुरू में ये क्या अपनी कोशिश करेगा अपने आप को, ये अगर फर्ज करें जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका पॉइंट है जिसपे ये क्या कर रहा है? अपने आप पूरी बॉडी को रोटेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये इसके अबाउट ये रोटेट करता है तो ये शुरू में क्या करेगा? शुरू में ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेगा। ठीक है, अपने आप को लंबा
इसकी बॉडी देखें, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो देखें, आर बढ़ेगा। आर क्या होगा? आर बढ़ेगा तो आर बढ़ने से हमारे पास क्या होता है? आर बढ़ने से हमारे पास एम आर स्क्वेयर। देखिए आर बढ़ेगा तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो यहाँ पे देखें एल हमारे पास किसके बराबर होता है? आई ओमेगा के। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास कम होगी। और जिस टाइम ये देखें जंप के दरमियान में होगा, जंप करने के दरमियान में, तो ये अपनी बॉडी को क्या करेगा? क्लोज कर लेगा अपने पाँव और अपने हाथों को, कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो क्या कर देगी? वो इंक्रीज कर जाएगी, और इससे क्या होगा कि वो जल्दी से रोटेट करेगा, और जंप के दौरान में ही अगर उसने अपने आप को अगर वो नहीं करता, अपने आप को क्लोज नहीं लाता, तो वो शायद एक टर्न लेता। लेकिन जिस टाइम वो अपने आप को क्लोज लेके आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने अपना कम किया, तो क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने की वजह से उसका क्या हुआ? उसकी रोटेशनल वेलोसिटी, मीन अगर वो एक रोटेशन लेता था, अब वो दो या तीन रोटेशन ले लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? और इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ। अच्छा एक और एग्जांपल भी है, ये जो जिमनास्ट होते हैं आपके पास, जो जिमनास्टिक करते हैं, ये भी क्या करते हैं कि जिस टाइम अपने आप को ये इस पोल के अबाउट रोटेट करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जिस टाइम ये अपने आप को यहाँ से छोड़ते हैं, तो ये अपने आप के जो अपने हाथ हैं और अपने नीज हैं, इनको आपस में क्या लेके आते हैं? करीब लेके आते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट? जब करीब लेके आते हैं तो इनके यहाँ पे इस पॉइंट पे इनके पास क्या होती है? इस पॉइंट पे इनकी ओमेगा ज्यादा होती है। ठीक हो गया? और जिस टाइम इन्होंने वापस नीचे आना होता है, ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं, अपने हाथ को और पाँव को दूर कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और जो इनकी रोटेशनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? जीरो। मीन के अपने आप को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, जिससे उनका मोमेंट इनर्शिया काफी बढ़ जाता है और उनकी बॉडी रोटेट नहीं करता। तो चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं। टोटल एंगुलर, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। कब कॉन्स्टेंट होगा स्टूडेंट्स? जब उस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है? कॉन्स्टेंट इन बोथ, इसमें मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। इन बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन। ठीक हो गया? अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है? रोटेशनल, अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन में है, तो उस पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो बॉडी क्या है? वो कंजर्व है। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन बनता है, डेल्टा L by delta t is equal to zero. Rate of change of angular momentum is torque, and if external torque is zero, then the body is conserved. Okay, students, thank you very much. Allah Hafiz.